ghamasan.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हम आए हैं सुरभि मनोचा चौधरी मैम जी के यहां जो भास्कर में सेलिब्रिटी कॉलम भी लिखती हैं साथ ही ये हाले की सेक्रेटरी भी हैं और ये अपने पिता का बिजनेस भी संभाल रही हैं तो आइए हम जानते हैं इनसे इनकी लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भास्कर में जो सेलिब्रिटी कॉलम लिखती हैं तो आपने कब से स्टार्टिंग की लिखनी ये मैंने अक्टूबर 2018 से लिखना स्टार्ट किया है जी और ये टोटली मेरे पास एक एक्सीडेंट के रूप में आया क्योंकि मैं हाले की सेक्रेटरी हूँ और यशवंत क्लब में मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ ओल्ड एलियंस एसोसिएशन में भी मैं एक कमेटी मेंबर हूँ और उसके सिवाय मैं फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ तो मेरी सोशल एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा थी तो शायद भास्कर को ऐसा लगा कि उनके लाइफस्टाइल पेज के लिए उनके सिटी लाइफ पेज के लिए एक उनको ऐसा आलू मिल गया है जो सब सब्जियों में पड़ सकता है तो शायद इसलिए उन लोगों ने मुझे बोला था आई शुड राइट फॉर देम एंड माय एक्सपीरियंस विद देम हैज बीन वंडरफुल भास्कर के साथ काम करना एक बहुत ही खुशनुमा रहा है एंड वो लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं नो वंडर कि वो मध्य प्रदेश और भारत में भी सबसे नंबर वन अखबार हैं और इंदौर के सबसे हाईएस्ट कॉपी सेल हो रही है उनकी जब से मैंने उनका कॉलम लिखा है तो लोग मुझे और भी जानने लगे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप अपने फादर का बिजनेस देख रही हैं तो इसमें लोगों ने कभी आपको रोका कि नहीं पिता का बिजनेस है तो बेटी कैसे करेगी या मतलब लोगों ने रोकने की कोशिश करी या ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हाँ देखिए हम दो बेटियाँ हैं मैं बड़ी हूँ छोटी बहन अमेरिका रहती है और बचपन से ही हम ये सुनते आए जब हम कोई पार्टी पे गए या कहीं भी ऐसी जगह गए जहाँ लोग हमें बहुत क्लोजली नहीं जानते थे तो मुझे यहाँ तक ये भी याद है कि एक काफ़ी मशहूर नेता हैं इंदौर के मैं नाम नहीं बोलूँगी एंड लीडर होकर उन्होंने मेरे पेरेंट्स से पूछा कि यू हैव ओनली टू डॉटर्स नो सन्स तो एक ज़माना होता था कि बाहर लिखाया जाता था यू नो मगन लाल एंड सन्स तो मैं कहती थी पापा अपन अपने ऑफिस के बाहर लिख देते हैं भारत भूषण मनोचा एंड नो सन्स क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों ने बहुत टोका और कई बार ऐसा लगा कि क्यों मुझे रोका जा रहा है लेकिन आज के डेट में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि लड़कियों को भी माता पिता का दायित्व उठाना पड़ेगा सिर्फ उनका जायदाद में हिस्सा नहीं है दायित्व उठाने में भी हिस्सा है तो अगर मैं आज अपने फादर की हेल्प कर रही हूँ उनके साथ काम कर रही हूँ मेरे फादर तो बहुत ही एक्टिव हैं इतने सीनियर होकर भी उनके बराबरी तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी लेकिन हाँ अगर मैं उनकी मदद कर रही हूँ तो किसी तरीके से उनका दायित्व में शेयर कर रही हूँ तो मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो कर रही हूँ तो लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लॉ है वो सबसे ऊपर है एंड आई एम फॉलोइंग द लॉ आप हाले की सेक्रेटरी हैं तो आपको बाइक चलाने का भी बहुत शौक होगा मेरे को बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है बचपन से मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं एक बाइक चलाऊँ क्योंकि मेरे पापा के पास एक टाइम पे जावा हुआ करती थी जावा अब इंडिया में आ गई है उसके शोरूम्स भी आ गए लेकिन तब जावा इम्पोर्ट हुआ करती थी जर्मनी से और पापा और जावा पे मुझे टंकी पे आगे बिठाते थे और खूब तेज़ हवा मेरे चेहरे पे आती थी तो मुझे लगता था कि जब मैं बड़ी होंगी ना तो ये बाइक चलाऊंगी और ये हवा ना मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ क्योंकि जब थ्रॉटल मेरे हैंड में होगा और जितनी स्पीड मैं देना चाहूँगी तो उतनी अच्छी हवा आएगी पापा थोड़ा धीरा चलाते हैं क्योंकि मैं बैठी हूँ तो मेरा बहुत मन था लेकिन बड़ी हुई तो पापा वो बाइक सेल कर चुके थे और मेरी शादी को अमित मेरे हस्बैंड जो हैं हम दोनों की शादी को 11 साल हो गए और मैंने बाइक सिर्फ 2 साल इनफैक्ट सॉरी 1 साल पहले ली है और मैंने जीवन में कभी बाइक नहीं चलाई थी तो तब मुझे सबने बोला तुम पागल हो 250 किलो की बाइक चलाओगी 55 किलो की तो तुम खुद हो तो मैंने बोला नहीं ये बाइक मैं चला चुकी हूँ तो उन्होंने बोला कहाँ मैंने बोला अपने सपनों में और सपनों को सच हम खुद करते तो जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम बाइक चलाने गई तो सब डर रहे थे मेरे हस्बैंड ने बोला तुम चलाना चाहते हो मुझे तुम पे विश्वास है तुम करोगी मैंने एक छोटी सी टेस्ट राइड ली उसके बाद मैंने फर्स्ट राइड करी 55 किलोमीटर जान गेट तक मऊ तक गई मेरे पीछे बैठे थे हाले के जो वहाँ के स्टाफ थे लेकिन मैंने वो 55 किलोमीटर चलाया और जब हम हाले से निकल रहे थे तो सुबह के लगभग
7:30 बज रहे थे, तो मैंने बोला कितनी देर लगती है जाम गेट पहुँचने, बोले मैम अभी नए हो 1 घंटा लगेगा। तो मैंने बोला मतलब मैं 9 बजे जाम गेट पहुँच चुकी हूँ, मैंने अपने आप को वहाँ देख लिया है, मैं फोटो खिंचा रही हूँ उस बाइक पर बैठ कर। और एक्चुअली मैं पहुँच गई थी वहाँ पर और मैंने बहुत स्मूथ राइड करी और बस सोचना ही नहीं, उसके बाद मैंने बाइक खरीदी और रेस्ट इज हिस्ट्री। अब मैं उसी क्लब की सेक्रेटरी हूँ और उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो औरतें नहीं करती। मैं तो कहती हूँ हमारे हाले के जितने भी बॉयज हैं, ऑल द मैन, दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत हेल्प करते हैं, लेडीज को भी आगे लाते हैं और बहुत डिसिप्लिन से हम लोग बाइक चलाते हैं। इट्स वेरी गुड फन। आप यशवंत क्लब में मतलब पहली ऐसी महिला है जिन्होंने, या मतलब काफी टाइम बाद किसी महिला ने वहां पे चुनाव लड़ा है, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा इस चुनाव को लेकर? देखिए यशवंत क्लब में चुनिंदा महिलाओं ने इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि मैंने कुछ और कामों में भी आगे हूँ तो शायद कई मीडिया हाउसेज ने इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है कि मैं पहली हूँ। मैं पहली नहीं हूँ, इसका मैं एक बारी सफाई भी दे देती हूँ आपके इस वेब पोर्टल पे। तो एक्चुअली बहुत कम महिलाओं ने इलेक्शन लड़े और पिछले 10 साल में मैं आई हूँ। और रिएक्शन तो ये था कि मेरे क्लब मेंबर्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, वो बहुत खुश थे कि एक क्लब की बेटी आएगी और मैनेजमेंट संभालेगी हम मैनेजिंग कमेटी के साथ में। क्योंकि क्या होता है कि क्लब हमारे घर जैसा है और हर घर में एक महिला का टच आ जाए तो घर जो होता है उसे क्या कहते हैं, हेवन बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है जी। तो बहुत अच्छा रिएक्शन था। कुछ एक नेगेटिव चीज़ें भी थी, कुछ लोगों ने उसको नेगेटिवली मुझे परेशान करने की कोशिश करी, अभी तक वो लोगों का नाम हमें पता नहीं चला, वो अज्ञात है। लेकिन अच्छा ये वो अज्ञात रहे क्योंकि वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जानने की उसको कोशिश करनी चाहिए जो जानने लायक हो। मेरे को मेरे क्लब के परिवार से इतना प्रेम मिलता है और आशा करती हूँ कि मिलता आए, मिलता रहे। मेरी टीम जो है, हमारे चेयरमैन सर परमजीत सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी संतोष मिश्रा जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है शांकी सुदीप मेरे छोटे भाई जैसा, ये लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली उन लोगों का क्लब के प्रति जो प्रेम है, नो वंडर ऐसा कहा जाता है सोसाइटी नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो अगर इस तरीके के लोग जुड़े हमारे क्लब से तो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दिल से काम करें। मैं सीख रही हूँ और आगे सीखती रहूँगी। आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा मोमेंट और एक बहुत खराब अगर हुआ हो तो? अच्छा तो हुआ ही होगा। मैं तो कहती हूँ लाइफ का हर मोमेंट अच्छा है क्योंकि मैं इस मोमेंट में जी रही हूँ, कल का नहीं सोच रही, आगे आने वाले पल का नहीं सोच रही। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि हमने क्या कर दिया तो भी हम दुखी हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं हम उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते थे और हम क्या करने वाले हैं ये सोचकर भी हम दुखी हो जाते। तो मैं इसी पल में जीती हूँ, अगर मैं अभी एक कप चाय पी रही हूँ तो मैं उसका स्वाद उठाऊँ, मेरे लिए वो ज़रूरी है। अगर मैं अपने पापा की डांट सुन रही हूँ या प्यार को महसूस कर रही हूँ तो मैं उसको उस वक्त महसूस करूँ, उस वक्त ये नहीं सोचूँ कि हस्बैंड मेरे लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लेकर आएंगे। तो मेरे लिए तो हर मोमेंट बहुत सुहाना है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि कोई मेरे जीवन का बुरा पल है तो वैसे तो कोई भी पल बुरा नहीं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ और मेरी बेटी इतनी अच्छी बच्ची है कि मेरे को कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। जहाँ मेरे को इतना टाइम देना पड़ता है अपने हर काम को लेकर, उसको शायद कम टाइम देती हूँ लेकिन वो मुझे कहती है मम्मा जितना टाइम दो ना मेरे को अच्छे से दो, चाहे 10 मिनट। तो वो भी वो पल मेरी लाइफ के बहुत अच्छे पल होते हैं जो मैं उसके साथ बिताती हूँ। और बुरा पल तो खैर कुछ भी नहीं है क्योंकि हर बुरा पल इसीलिए आता है, हमको कुछ सिखा जाता है और उसके बाद कुछ अच्छा छुपा होता है। क्योंकि जीवन का ये सच है कि अगर दुख नहीं टिकता तो सुख भी नहीं टिकता, तो सुख और दुख तो साथ में चलेंगे ही। महिलाओं के लिए आप कुछ बोलना चाहती हैं उनको मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल, मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि हम सब लोग शक्ति हैं। हम लोगों को जो एक स्पेशल पावर मिला है ना, हम उसको यूज़ करें और कभी भी कुछ भी काम करने के पहले ये ना सोचे क्या ये मेरा काम है, क्या ये महिलाओं के लिए है। हम सब एक साथ हैं, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, तो जो मन में आए करे, अपने दिल की सुने और दिल की सुनते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।